बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्ला। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं खून की ख़राबी के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। ख़ारिश के पहले भी नुस्खे हमने दो तीन में दे चुका हूँ, तो आज जो नुस्खा देने जा रहा हूँ कि ये खून की बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाए, पुरानी ख़ारिश हो जाए, कोढ़ तक, जुज़ाम और कोढ़ तक ये फ़ायदा करता है। बहुत आलीशान नुस्खा है। जो जिल्द की बीमारी हो उसमें भी ये ख़ारिश, अक्सर जिल्द की तकलीफ़ होती है, अंदर की खून की ख़राबी की वजह से भी ये काम हो जाता है, तो इसका बड़ा बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ, तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं। गंधक मुसफ़ा ले लें 14 तोले। गंधक को मुसफ़ा करने का मैं पहले भी तरीका दे चुका हूँ कि गंधक एक बर्तन लें, देच की छोटी सी, उसमें दूध डाल लें, उसके ऊपर कपड़ा बांधें ढीला सा, तो उसमें गंधक डाल दें, जितनी साफ़ करनी हो उस गंधक डाल दें, ऊपर प्लेट रख दें जिसमें अंगारे हों, कोयले हों दुखते हुए, तो ऐसे रख दें, तो इनकी हीट से गंधक पिघल कर दूध में चली जाएगी। ये 7 दफ़ा अमल कर लें तो गंधक मुसफ़ा हो जाएगी। तो गंधक मुसफ़ा 14 तोला, पारा मुसफ़ा 1 तोला। पारा को नमक में 7 दफ़ा रगड़ें, एक दफ़ा रगड़ें तो वो नमक स्याह हो जाएगा, चीनी में भी रगड़ सकते हैं, तो जब स्याह हो जाए तो पानी डालकर उसको निकाल दें, चीनी या नमक को निकाल दें, पारे को अंदर रहने दें, उसमें और डालकर नमक डालकर या चीनी डालकर फिर रगड़ें, जब स्याह हो जाए तो पानी से फिर धो दें, ये 7 दफ़ा कर लें, पारा साफ़ हो जाए। तो गंधक मुसफ़ा, गंधक आमला सार मुसफ़ा 14 तोला, पारा 1 तोला, और ठीक ही नुशादर 2.5 माशा। ये मट्टी का एक प्याला ले लें, उसके नीचे थोड़ी सी ना मट्टी लगा लें ताकि टूट ना जाए, उसको उसमें ये गंधक डालें, उसमें ना वो जो है ना प्याला, उसमें पारा डालें, 1 तोला जो पारा है ना वो पारा उसमें रख दें। ये जो 14 तोला गंधक है, इसमें से 2 तोला गंधक बारीक की हुई हो वो उसके ऊपर डाल दें, पारे को, और इसके ऊपर नुशादर जो 2.5 माशा बताया है वो ऊपर डाल। अच्छा, अब एक बर्तन लें जिसमें अगर जो कढ़ाई वगैरह हो जिसमें रेत आ जाए, थोड़ी सी रेत डालकर उसके उस रेत के ऊपर इस प्याला को डाल रखें और उस बर्तन को आग पर रख दें, दरमियानी आग दें, गंधक पिघल जाए जब तो आग बंद कर दें, तो प्याला को निकाल लें, निकाल कर वो जो पारा और गंधक जो भी हो उसको अच्छी तरह रगड़ाई कर लें, रगड़ाई करके तो फिर उसी प्याला में डाल दें, और 2 तोला गंधक, क्योंकि 14 तोला गंधक है आपके पास, तो आपने 2-2 तोला हर दफ़ा डालनी है, ठीकरी नुशादर सिर्फ 1 दफ़ा ही डालनी है, फिर दोबारा नहीं डालनी, 2.5 माशे पहली दफ़ा डालनी है फिर नहीं डालनी। अब वो पारा और गंधक जो मिक्स हो जाएगा उसके ऊपर 2 तोला गंधक और डालकर उस प्याला को फिर उस रेत पर रखें और नीचे आग जलाएँ, जब गंधक पिघल जाए तो फिर उसको उतार लें और सारे चीज़ को निकाल कर बारीक कर लें, और फिर प्याला में डालकर 2 तोला गंधक, इसी तरह 7 अमल करेंगे तो 14 तोला गंधक आपकी लग जाएगी, और ये गंधक और पारे का बेहतरीन किस्म का कुश्ता हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुश्ता संभाल कर रखें, इस कुश्ता में से 3 माशा वज़न तोल लें, 3 माशा वज़न तोल कर, तो इसमें तुखम इलायची खुर्दी, छोटी इलायची के बीज 1 तोला, मगद बादाम 1 तोला, पूजा बिसरी 3 तोला, तुखम इलायची 1 तोला, मगध बादाम 1 तोला और पूजा मिश्री 3 तोला, ये बिल्कुल, और 3 माशा ये कुश्ता इसमें मिलाकर अच्छी तरह गुबार की तरह, मट्टी की तरह बारीक कर लें, तो आपकी अब ये दवाई तैयार है। ये एक आदमी की खुराक है, ये 15 खुराकें इसकी बनानी है आपने, ये एक पूरी रात को आप दें दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ, तो 15 दिन जो आदमी खा जाएगा तो इंशाल्लाह उसका वो चंबलता ख़त्म हो जाएगी। ये
ख़ारिश तो पुरानी कई दो साहब आप आते हैं, मरीज़ आते हैं मेरे पास, कई कई साल की पुरानी ख़ारिश बेचारे लिए फिरते हैं, कोई इलाज नहीं होता, इंग्लिश दवाइयाँ खा खा के वो कई और बीमारियाँ भी लग जाती हैं, तो देसी दवाइयाँ भी खाते हैं लेकिन कोई इफाका नहीं होता। तो ये 15 खुराकें जो खाएगा तो इंशाल्लाह खून उसका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और भी जो खून की वजह से खून की खराबी की वजह से बीमारियां होंगी वो भी इंशाल्लाह, मुंह के दाने चेहरे के दाने आ गए, ये छाइयां वगैरह होगी, ये काफ़ी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। ये बनाएं और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।